बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था, एक दोस्त को इंटरव्यू किया था और उसकी बुनियाद पर मैंने ये कहा था कि लोग कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के कुछ लोग, कि मोदी आओ हमारी मदद करो। तो मुझे कुछ दोस्तों ने इस पर सवाल किया और काफ़ी इस पर क्रिटिसिज्म भी आ रही है, कमेंट्स चल रहे हैं और काफी मतलब भी दूसरे लफ्ज में लोगों में कंसर्न है। तो पूछा ये जा रहा है कि क्या जो मौजूदा सूरत है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान में, इसकी वजह से क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब जो हैं वो कोई मदद करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, काश मुझे इसका इलम होता, लेकिन मैं तजिया तो कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये कुछ तो करता है कि जो ये जो एहतजाज हो रहे हैं इसकी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बंदूक लेकर LOC पर आ जाएंगे तो आंसर इज नो, वो नहीं आएंगे। यहाँ तक ये उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग सारे के सारे वो भारतीय शहरी हैं, वो ये सारा जम्मू कश्मीर है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो ये तो उनका क्लेम काफी अच्छे से चल रहा है। वो ये कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ महाराजा हरि सिंह एक्सेशन टू इंडिया, तो ये जो इलाके हैं सारे हमारे हैं और हमारा अटूट अंग है। अटूट अंग कहना एक बात है और उस अटूट अंग के लिए जंग करना दूसरी बात है। एक वक्त ये था कि जंगें हुई हैं, 4 जंगें हो चुकी हैं और उस वक्त डिफरेंट सिचुएशन थी। आजकल इंडिया भी न्यूक्लियर मुल्क है और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर है, दोनों के पास मिसाइल सिस्टम है, दोनों के पास एक दूसरे को तबाह करने के लिए बहुत असलाह है। फिर साथ ये भी देखना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी, विद रिगार्ड टू यही होता है उनका कि इस लाइक इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया ने क्या किया और हमने कैसे जवाब देना है या इंडिया को कैसे घेरना या कैसे तंग करना है। तो लेकिन इंडिया का जो है ना सिर्फ यह है कि पॉलिसी उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को अपना इलाका कहते हैं, ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें डील करना है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो उनकी उनको जो अजाइम है या उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। वो सिर्फ साउथ एशिया की बात भी नहीं कर रहे, वो एशिया की बात भी नहीं कर रहे, वो एक लिहाज से इस वक्त रीजनल सुपर पावर तो हैं, उनके जो है ना जो प्लान्स हैं वो मच बिगर देन दैट। उसमें पाकिस्तान, वो जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज ओनली वन कंट्री, वो हमारे जो हैं जो लफ्ज अजायम शायद ठीक लफ्ज नहीं होगा, लेकिन उनके जो जो इरादे हैं वो ये है कि इंडिया को एक सुपर पावर बनाना, इकोनॉमिक पावर भी वो काफी मजबूत हो गए हैं इस वक्त, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फिर साथ में ये जो लोग कहते हैं कि हमारे बहुत से लोग हैं, पता नहीं उनको समझ नहीं होती या यह कि असद इतना ज्यादा है कि वो कहते हैं जो मोदी ने इंडिया को तबाह कर दिया है, मोदी ने इकोनॉमी इंडिया की तबाह कर दी है। भाई अगर मोदी ने इंडियन इकोनॉमी को तबाह कर दिया और हिंदुस्तान को तबाह कर दिया तो ये जो अभी उसको प्रोफाइल मिला है स्पेशली G20 के वाले से तो ये ना मिलता। और फिर ये भी है कि ये जो इकोनॉमी नंबर 5 पर आ गया है, पहले बरतानिया नंबर 5 पर था, आपको इंडिया नंबर 5 पर आ गया, तो अगर जो जिस मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाए तो वो 5वें नंबर पर नहीं होता, ठीक है। और फिर ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पर दबा सुरताल हो या अनसर्टेनिटी हो तो उनका आशय वही होता है कि इकोनॉमी यानी -4 पर चली जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर रिफरिंग टू पाकिस्तान अंडर इमरान खान, वो चली गई थी। तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिकली, इंडिया स्ट्रगल नहीं कर रहा, वी नीड टू इस चीज़ को देखना है। तो इंडिया की तरजीहात जो है ना वो सिर्फ ये जम्मू कश्मीर को हासिल करना नहीं है, उनको पता है या वो ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर सारे का सारा यूनाइट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वो एटमी जंग का रिस्क नहीं ले सकते। उनको पता है कि अगर खुदा ना खासा लड़ाई होती है और वो आउट ऑफ हैंड चली जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, न्यूक्लियर शक्ल अख्तियार कर दी है, तो ये दोनों के लिए तबाहकुन होगा और खासतौर पर इंडिया के लिए तबाहकुन होगा। इसलिए कि
इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं फ्यूचर के लिए वो मुतासर होंगे। तो पाकिस्तान का तो लोग कहते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं नुकसान होगा, इसलिए कि उनके पास है क्या। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के तो कोई ऐसे अजाइम नहीं है कि वो दुनिया में यह हासिल कर देंगे या सुपर पावर बनेंगे, तो वो उनका नहीं है। तो उनको तो है कि अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो पाकिस्तान जो है ना इंडिया को भी खींच कर उसकी तरक्की की रफ्तार को कमज़ोर कर देगा, तो उनकी जो इकोनॉमी है उसको तबाह करेगा। तो वो एक लिहाज से उनके तो मेरे ख्याल में कुछ मसले हल हो जाएंगे इस लिहाज से कि इंडिया को भी अपनी सतह पर ले आए या कम से कम कमजोर कर दिया। इट इज इंडिया हु वांट्स टू अवॉइड वॉर, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान की ठीक है मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, डिफेंस के मसाइल हैं, और भी नंबर ऑफ इश्यूज हैं पाकिस्तान के। इंटरनल जो कोहीजन है वो काफी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। जब पिछले चंद दिन पहले मैंने बात की थी कुछ दोस्तों से के साथ के चतराल जो कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कहते जी पाकिस्तान का हिस्सा है। मैंने कहा कि 1956 या 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में चतराल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था चतराल। ये फर्स्ट टाइम 1973 में चतराल को पाकिस्तान का हिस्सा किया गया। तो ये जम्मू जो कश्मीर की एक लिहाज से हिस्सा था। तो बहरहाल एनी वे लीविंग दैट असाइड, जब मैंने कहा कि वहां पर लड़ाई हो रही है और तालिबान हैज टेकन सर्टन एरियाज, लोगों ने कहा जी आप तो कहानियां बनाते हैं। तो मैंने कहा भी आपको चंद दिनों बाद पता चल जाएगा। अब बाद में पता चल गया लोगों को, कुछ कुछ को अभी भी छपाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मैन मीडिया है वो उसको बयान नहीं कर रहा। तो ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ और फ्राड के साथ आप हकाइक को कुछ अरसे के लिए दबा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। मोदी साहब जो हैं और या इंडिया के जो पॉलिसी साज अदारे हैं वो जम्मू कश्मीर को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू कम डाउन टू दैट पोजिशन जहाँ पर वो उसको ये फैसला करना पड़े कि जम्मू कश्मीर के लिए जंग लड़नी है या अपने सर्वाइवल की जंग है। तो वही पाकिस्तान जो है ना उनका ख्याल है कि खुद छोड़ देगा जम्मू कश्मीर को या कोई कॉम्प्रोमाइज की सूरत आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल कुछ मुख्तलिफ है कि पाकिस्तानी अगर कोलैप्स की सूरत बनती भी है तो शायद पंजाब इसको टेक ओवर कर ले, जैसे कि इमरान खान ने भी कहा था कि तीन टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। मैं ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ना टुकड़े हो, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं आती, डेमोक्रेटिक वॉइस को दबा दिया जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसी सूरत में जम्मू कश्मीर देखना ये होगा कि ये जम्मू कश्मीर का जो खिता है, गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है, ये किसके पास जाएगा। और एक बात लोगों को ये भी बता देना जरूरी है, ये तो मैं तो जानता हूँ और वो कुछ लोग जानते हैं कि वाह खान में जो वाह खान की पट्टी है जो सेंट्रल एशिया को डिवाइड करती है गिलगित बल्तिस्तान से और उस वक्त के जम्मू कश्मीर से, जब यह मुतिदा था जो ब्रिटिश राज था यहाँ पर, तो वहां पर तालिबान ने भी काफी कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये खतरे की बहुत बड़ी गारंटी है। यानी दूसरे लफ्जों में गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जिसके साथ ये वाह खान पट्टी मिलती है, वहां पर तालिबान का कंट्रोल, इस पर लदा प्रोग्राम करूंगा। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, नॉट ओनली फॉर गिलगित बल्तिस्तान, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर चाइना एज वेल, अनलेस चाइना की कोई अंडरस्टैंडिंग हो। तो कमिंग बैक टू इस बात पर कि इंडिया की जो तरजीहात हैं, उसमें फिलहाल जो है ना जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के इलाके को या गिलगित बल्तिस्तान को ज़बरदस्ती छीनने की पॉलिसी नज़र नहीं आती, अनलेस सूरत ऐसी बन जाए जिसमें पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा हो और ये खतरा हो कि कोई और मुल्क जो है टेक ओवर कर लेगा या पंजाब टेक ओवर कर लेगा आज़ाद कश्मीर को, फिर हो सकता है कि एज ए लास्ट रिजोर्ट वो स्टेप इन करें। लेकिन फॉर दैट दे हैव टू गेट सर्टन गारंटीज एंड अश्योरेंसेस फ्रॉम एल्सवेयर एज वेल। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान डिस्पाइट हैविंग ए न्यूक्लियर आर्सनल, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूज दोज मिसाइल्स, आर न्यूक्लियर असला यूज नहीं कर सकेंगे। एंड दीज आर ये बातें हैं करने की, आई होप इट डजंट कम टू दैट। एक सवाल ये भी था साथ के, कुछ दोस्त ये पूछते हैं क्या पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील है। भाई इसके बारे में बहुत बार कहा जा चुका है कि कश्मीरी जो हैं उनका वकील पाकिस्तान नहीं है। ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है, ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इलाके पर कब्जा किया हुआ है,
ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने जम्मू कश्मीर की रियासत पर हमला किया था। ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने मायदा कायमा की खिलाफ वर्जी की थी और बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल किया था 1947 में। और यह हमला 22 अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ था। उस हमले की वजह से जम्मू कश्मीर डिवाइड हो गया था एंड वी पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर सफरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड सिंस 1947 थैंक्स टू दी अनवाइज अनप्रोवोक्ड अटैक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने तो हमारे लिए मसाइल पैदा किए। अभी भी जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, जो अख्तलाफात हो रहे हैं या मुजाहरे हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि देर इज इनजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन गोइंग ऑन इन पाकिस्तानी कंट्रोल जम्मू कश्मीर। लोगों की बर्दाश्त एक हद होती है और जुल्म से तुम जब एक आस्ते आगे बढ़ जाता है तो लोग जो है ना, इवन इवन जो लोग प्रो पाकिस्तान थे वो भी आखिर में तड़प उठे, वो भी बोल पड़े। तो पाकिस्तान हमारा वकील कभी ना था, ना है, ना कभी फ्यूचर में होगा। इन पाकिस्तान की जो स्टेटस है यहाँ पर वो इलीगल स्टेटस है इसका, ये हमारा वकील नहीं है। अगर इलीगल ना होता तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल कभी ये ना कहती पाकिस्तान को कि आप ही फौजें निकालें। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप फौजें रखें, और इंडिया को ये कभी नहीं कहा कि आप अपनी सारी फौजें निकालो। उनको ये कहा गया था कि बल्क ऑफ द फोर्सेस निकालो। सो द स्टेटस ऑफ इंडिया एंड स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, सॉरी, स्टेटस ऑफ इंडिया एंड स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इन जम्मू कश्मीर आर डिफरेंट। उनको इजाजत थी कि वो अपनी फौजें रख सके, लेकिन पाकिस्तान को ये इजाजत नहीं थी कि वो अपनी फौजें रखें। सो दे आर टू डिफरेंट, दे फॉल इन टू टू डिफरेंट कैटेगरीज। आई लीव इट एट दैट। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ है। लुक आफ्टर योर सेल्फ।